सर आपका शुभ नाम। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी। सर शिक्षा का बाजारीकरण क्यों हो रहा है? देखिए, पिछले एक दशक से, बल्कि मैं कहूँ पिछले एक दशक नहीं बल्कि 1.5 दशक से लोग जागरूक हो रहे शिक्षा के प्रति, और लोग ये चाहते हैं, माता पिता अभिभावक, कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छे से अच्छे स्कूल में आए। थोड़ी सी मानसिकता बदली है लोगों की। जिस विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा देखते हैं लोग, बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, अच्छा फर्नीचर देखते हैं, तो लोगों को लगता है कि वहाँ पर शिक्षा अच्छी मिलेगी, इसलिए लोग महंगी शिक्षा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बाकी पढ़ाई तो मैं समझता हूँ, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा भी हो, यदि वहाँ का जो अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, यदि उनमें लगन है पढ़ाने की, तो निश्चित तौर पर एक छोटी सी बिल्डिंग में भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है। मैं कई ऐसे सरकारी विद्यालयों को जानता हूँ जहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और वहाँ के पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम आज हिंदुस्तान के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनी में हैं, IAS हैं, PCS हैं, बड़ी बड़ी जगह जो है कार्यरत हैं, और बड़े बड़े जो धनाढ्य विद्यालय हैं उनके छात्रों को भी देखा है मैंने कि वो जो है अपने जीवन में फेल हैं। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ पाता है, लेकिन फिर भी माता पिता की ऐसी मानसिकता वर्तमान में हो रही है कि वो विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, बड़ी बिल्डिंग बड़ी इमारत देखते हैं, और उसी की ओर आकर्षित होते हैं कि वहीं उनका जो है बच्चा शिक्षा ग्रहण करें। सर आपका नाम? संदीप, होटल प्रभा। सर आधुनिक शिक्षा में बाजारीवाद है, उसके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्राइवेट शिक्षा जो है वो दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, जिससे गार्जियन पर जरूरत से ज़्यादा लोड बढ़ता है। किताबें, ड्रेस, ये जो सारी सामग्री है, स्कूलों ने मोनोपोली बना ली है कि ये सब आप उन्हीं के दिए हुए ठिकानों से या दुकानों से उसको परचेज़ करें। इसके बाद प्रति साल से उनकी जो स्कूल की फीस होती है उसका भी जो इंक्रीमेंट है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे मध्य परिवार जो है वो काफ़ी चिंतित रहता है, और सरकार इस पे कोई सख्त नियम या कानून नहीं ला पा रही है, जिसको लाना बहुत आवश्यक है। एक बात और, कोरोना काल में जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद स्कूल बंद हुए हैं और बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, ये बच्चों का, मेरे समझ से, मैं खुद भी एक सरकारी टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, तो मुझे ये लगता है कि बच्चे इससे 1 से 2 साल अपनी जनरेशन के हिसाब से पीछे हो रहे हैं, और ये उनके आने वाले भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई को लेके या उनके फ्यूचर को लेके कहीं ना कहीं नुकसानदेही है। उस पे सरकार को भैया किसी भी तरीके से स्कूल में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जिससे बच्चा दोबारा स्कूल जा सके और वहाँ उसका फिर से वही पाठ्यक्रम और उसका जो जीवन शैली है वो उसी स्थिति में आधारशिला पे आ सके। सर क्या शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव की आवश्यकता है? बदलाव की आवश्यकता साहब, मेरे हिसाब से हर 2-3 साल में कोर्स को बदलना ये नहीं है ठीक। एक कोर्स को आपको कम से कम 5 से 6 साल फॉलो करना चाहिए, जिससे बच्चा जल्दी से उसको समझने में उसको टाइम लगे और वो जल्दी से उस चीज़ों से बाहर ना हो। नाम? मेरा नाम संतोष कुमार पाठक है। सर क्या शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है? बिल्कुल 100% बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है आजकल, आम आदमी उसका बोझ नहीं उठा पा रहा है। जैसे अभी कोरोना काल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम फीस माफ़ क्यों करें, इस पर पेरेंट पर काफ़ी फर्क पड़ा है। एक बात, दूसरी बात, जो मोबाइल से बच्चे पढ़ रहे हैं तो आँखों के डॉक्टरों का बिजनेस बढ़ रहा है इससे। अधिकतर 90% बच्चों की आंखें वीक हो रही हैं। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे मोबाइल पर गेम, अन्य चीज़ें देख रहे हैं। बच्चे ये कंप्लेन करते हैं, पापा मोबाइल में गेम खेलने के लिए मना करते हो आप, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, पढ़ते हैं गेम खेलते हैं। इसलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है शिक्षा में। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट ने स्कूल बनाए, इतने अच्छे स्कूल बनाए हुए हैं, आम आदमी उनमें शिक्षा पढ़ा सकता है। अब देखिए कितना फ़र्क है कि एक गवर्नमेंट के स्कूल में अध्यापक की नियुक्ति होती है तो कितना पढ़ा लिखा, कितने उससे निकलता है वो। आम स्कूलों में कैसे भर्ती होती है आपको मालूम है, क्या सैलरी है स्कूलों की,
वहाँ क्या क्या रवैया चल रहा है सबको मालूम है। शिक्षा में बदलाव बहुत ज़रूरी है, सरकार भी बहुत जल्दी से जल्दी एक ही शिक्षा नीति करने वाली है। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग कोर्स चलते हैं, इतने पैसे के कोर्स आते हैं उनकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। सर आपका नाम? राकेश सिंह भदौरिया। जी सर, क्या शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है? बिल्कुल, शिक्षा प्रणाली में इस समय बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि हम बाबू ज़्यादा पैदा करने पर विश्वास करते हैं, आत्मनिर्भरता पे युवकों को जोर नहीं दिया जाता। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि नई सरकार या हमारी वर्तमान सरकार जो प्रयास कर रही है आत्मनिर्भर बनाने पे, वो उसके लिए मैं साधुवाद करता हूँ कि सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है, वरना पुरानी शिक्षा प्रणाली सिर्फ बाबुओं को पैदा करती थी और बेरोज़गारी ज़्यादा पैदा करती थी। दूसरी चीज़, कंपटीशन में हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंच जाएं, लेकिन उनकी जो प्रतिभा होती है प्राकृतिक प्रतिभा, वो हम लोग उनकी उनको बढ़ावा नहीं देते हैं। तो बाजारीकरण जो हो गया है आपका, वो स्वार्थ के ना, गुरु शिक्षा नहीं देता है, गुरु का मकसद हो गया है पैसा कमाना, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के या सरकारी नौकरी में अध्यापक बन के 30-40-50 हज़ार रुपये कमाता है, और कमाने के बाद वो सोचता है कि बस मेरा काम हो गया, सरकार मेरे को पैसा दे रही है। प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल हैं वो स्कूल खुद पैसा कमाते हैं, टीचर्स को पैसा देते हैं, सांसद खुद पैसा कमाते हैं, वो भी उनकी निजी स्वार्थ है। शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है? बिल्कुल, मैं डॉक्टर सुश्री नीति शास्त्री राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से विभूषित हूँ और केंद्रीय विद्यालय की प्राध्यापिका रही हूँ 37 वर्ष। आपका प्रश्न बहुत ही समसामयिक है और मैं समझती हूँ वर्तमान परिवेश में 21वीं सदी में बढ़ते भारत में ये प्रश्न मौलिक है, क्योंकि हमारी शिक्षा ज्ञानार्जन पर आधारित थी और आज बढ़ते बाजारीकरण में इतना व्यवसायीकरण बाजारीकरण है कि शिक्षा का जो मौलिक आधार था ज्ञानार्जन, सरस्वती का ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान को धन मान के उसका उपयोग किया जाता था, अब धीरे धीरे वो प्रमाण पत्र अर्जन में आया, प्रमाण पत्र अर्जन के बाद वो आधार जीविकोपार्जन का बनता, शिक्षा जीविकोपार्जन के लिए ली जाती थी, तो वो जीविकोपार्जन न होकर प्रमाण पत्र अर्जन में बदल गई, क्योंकि लोग डिग्री पाकर सिर्फ योग्यता के नाम पर पद और अपनी रोजगार के लिए दौड़ने लगे। ट्यूशन पढ़ना या शिक्षा में बाजारीकरण को लेकर जितनी नई पीढ़ी थी उसने ज्ञान को महत्व नहीं दिया, सीखने को महत्व नहीं दिया कि सीखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, जिसका कारण है कि आज 21वीं सदी में मास्टर डिग्री होल्डर स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण एक आवेदन नहीं लिख सकते, प्रार्थना पत्र नहीं लिख सकते, 40 विभागों में जहाँ एक नागरिक को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, बिजली, पानी, सुरक्षा और अपने जीवन में रोज़गार कहाँ से मांगे, रोज़गार विभाग का की जानकारी में वो आवेदन पत्र लिखने में भी सक्षम नहीं है। तो ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को सक्षम ना बनाए, सशक्त ना बनाए, व्यवहारिक ना बनाए, तो ऐसे ज्ञान का बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि NCERT जो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद है वो नित नूतन अनुसंधान करके आज इस निष्कर्ष पर पहुंची है। मैं स्वयं NCERT की लेखिका रही हूं और यशपाल कमीशन ने 2005 में जो नई शिक्षा नीति को फ्रेमवर्क में लगाया और ये माना कि प्राथमिक शिक्षा हो, हमारी बेसिक शिक्षा हो, जूनियर हो और स्नातक शोध तक, PhD तक, अगर हम एक नागरिक को ज्ञानवान, चरित्रवान, संस्कारवान नहीं बना सकते सिर्फ रोज़गार पाने के लिए, वो पढ़ तो रहा है, डिग्री ले रहा है और बची कुची कसर निकाल दी इस गूगल ने, जहां आदमी नकल करना सीख गया अकल का प्रयोग ही नहीं कर रहा है, कॉपी पेस्ट करके, कट कॉपी पेस्ट करके वो पढ़ना नहीं चाहता, याद नहीं करना चाहता, सीखना नहीं चाहता, और जो एक कहावत है अंग्रेज़ी में कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो सबको थोड़ा थोड़ा आप बात करो तो कहता आता है, आता है, आता है, जब उससे आप
5 प्रश्न उसके जीवन से जुड़े पूछ लो, साक्षात्कार में उसका अपना परिचय पूछ लो, तो वो ना बोलना बोल पाता है, ना लिख पाता है, ना अभिव्यक्ति कर पाता है, ना उसमें संप्रेषण कौशल होता है। इसलिए आज शिक्षा में बदलाव ज़रूरी है कि शिक्षा जीवन से जुड़ी हुई जो हमारी पूर्व शिक्षा थी, गुरुकुल शिक्षा, जिसमें व्यक्ति निर्णय लेने की शक्ति, जीवन कौशल को पहचानने की शक्ति, सीखना ही जिसका आधार होता था, वो सीख कर, जान कर, परिपक्व बनकर, वो अनुभव के आधार पर, अनुभव की पाठशाला में जीवन के किसी संघर्ष को, किसी चुनौती को स्वीकार कर लेता था और सफल हो जाता था। आज परीक्षा फल में, परीक्षा परिणाम में सफल होना, परीक्षा फल प्राप्त कर लेना, अंक पा लेना, अंक पाने की या 100% अंक पाने की लालसा ने भटका दिया। इसलिए ज़रूरी है कि नैतिक शिक्षा दी जाए, जिससे व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग करे, निर्णय लेने की जो 10 जीवन कौशल हैं, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, रचनात्मक सोचना, सृजनात्मक सोचना। आज बच्चे अंक के कारण अपने को मूर्ख, कमज़ोर और ये मानने लग जाते हैं कि हमें परीक्षा में 50 अंक मिले, उसको 80 मिले तो वो ज़्यादा विद्वान है, मैं मूर्ख हूँ। ऐसा नहीं है। हमारा जो शिक्षा का आधार रहा है वो ज्ञान का आधार, कि आप विद्या शब्द का अर्थ ही है विद माने जानना, तो जो जितना जान सके, ज्ञान को सीख सके, पा सके, वो उतना व्यवहारिक बनता है, व्यवसायिक नहीं। हमारी शिक्षा व्यवसायिक होती जा रही है, इसलिए महंगी होती जा रही है। परिणाम हो रहा है कि प्रमाण पत्र लेकर व्यक्ति सफल नहीं हो रहा, रोजगार नहीं पा रहा, नई पीढ़ी डिप्रेशन, निराशा में जाकर आत्महत्या तक कर रही है। सर आपका नाम? हाँ, डॉक्टर अरविंद शर्मा। सर क्या शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है? हाँ, शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता इसलिए है, स्वतंत्रता के बाद से जो भी शिक्षा प्रणाली है हमारी, वो एक सरकारी नौकरी दे रही है, सरकारी नौकरी का एक दायरा है, और जो हमारा युवा है वो सिर्फ सरकारी नौकरी चाह रहा है, चाहे उसके लिए उसको गलत तरीका अपनाना पड़े। तो अगर ये शिक्षा प्रणाली परिवर्तन होगा, और जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं पुराना, उसमें परिवर्तन होगा, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो प्रैक्टिकल पर आधारित होगी, जिससे कि लोग, अगर फर्नीचर है, कोई टेलरिंग काम है, और जो मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए, और अगर इतिहास है या भूगोल के बारे में जानना है, उसके लिए स्पेसिफाइड अलग फील्ड होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल सिस्टम होगा तभी रोजगार मिलेगा, और लोगों को अपनी शक्ति पहचाननी पड़ेगी। मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी, गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी।